हेलो फ्रेंड्स, सुनीताज किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बैंगन की सब्जी, वो भी पूड़ी के साथ। आलू बैंगन की सब्जी वैसे तो बहुत खाते हैं अपन, बट ये पूड़ी के साथ और भी टेस्टी लगती है। तो चलिए देखते हैं आलू बैंगन की सब्जी कैसे बनाएं और पूड़ी कैसे बनाएं। तो आलू बैंगन की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं आलू। आलू को हमने पानी में भिगो दिया है। यहाँ पर हमने लिया है लहसुन का पेस्ट। यहाँ हमने लिए एक प्याज बारीक कटी हुई, दो हरी मिर्ची बारीक कटी हुई और दो टमाटर। और हमने लिए यहाँ पर बैंगन। बैंगन को हमने काट कर पानी में डाल दिया है। तो यहाँ पर हमने कुकर गरम चढ़ा दिया है। अब इसमें डाल देंगे एक चम्मच तेल। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे दो तेज पत्ता। एक चम्मच जीरा, तो अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची। तो अब हम इसमें डाल देंगे आलू। तो आलू हम इसमें जल्दी डाल देंगे ताकि आलू जो है वो जल्दी से पक जाए। और अब इसमें डाल देंगे बैंगन। अब इसमें डाल देंगे एक चम्मच हल्दी और इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आलू बैंगन जो है वो आपको एक जैसे लग रहे होंगे, क्योंकि जो हमने बैंगन का है वो छिलका निकाल दिया था, क्योंकि खाते वक्त छिलका अच्छा नहीं लगता है। आप चाहे तो नहीं भी निकालें, लेकिन हमने निकाल दिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। अब इसमें डाल देंगे एक चम्मच नमक। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और एक चम्मच धनिया पाउडर। तो अब हम मसालों को आलू बैंगन के साथ थोड़ी देर के लिए भुनने देंगे। अब इसमें डाल देंगे लहसुन। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो अब हम आलू बैंगन को जब तक पकाएंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। तो देखिए आलू बैंगन ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डाल देंगे और अब हम इसे ढककर पकने देंगे। तो देखिए सब्जी बनकर तैयार है, ये अच्छे से पक गई है। और अब हम पूड़ी बना लेंगे। तो अब हम पूड़ी का आटा तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर आटा ले लिया है। अब इसमें डाल देंगे एक चम्मच नमक, एक चम्मच अजवाइन, तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमें कुछ इतना टाइट इसका आटा लगाना है। पूड़ी का आटा जितना टाइट होगा पूड़ी उतनी अच्छी बनेगी।
और हमने 2 कप पानी इसमें यूज़ करा है। तो अब हम पूड़ी की लोई तोड़ लेंगे। तो हमने कुछ इस साइज की लोई तैयार करी है, अब हम इसे बेल लेंगे। तो हमने बेलन पे थोड़ा सा तेल लगा लिया था ताकि जो पूड़ी है वो चिपके नहीं। तो अब हम सारी पूड़ी बना लेंगे। तो देखिए पूड़ी हमने बेल ली है, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें पूड़ी डाल देंगे। तो देखिए पूड़ी कितनी अच्छी तरीके से फूल रही है। तो अब हम पूड़ियों को निकाल लेंगे। तो देखिए पूड़ी और आलू बैंगन की सब्जी बनकर तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी लग रही है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।